मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टेशन पर बैठी हुई ट्रेन का इंतजार कर रही है। तभी उसे वहीं पर पड़े हुए रेड कलर के जूते दिखते हैं जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं। वह सोचती है कि चलो यहाँ पर कोई नहीं है और इन्हें मैं ले लेती हूँ। लेकिन जब जूतों को लेने ही वाली होती है कि एक दूसरी लड़की वहां पर आती है और वो ये जूते पहनकर चली जाती है। लेकिन जब वो थोड़ी सी आगे जाती है तब उसे अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। तब अचानक उसके पैर कट जाते हैं। उसके बाद स्टोरी दूसरी ओर चली जाती है जहाँ पर हम सुंजी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने किचन में खड़ी है और उसके बच्चे और हस्बैंड बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन अब उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं था, इसलिए वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब सुंजी एक नए अपार्टमेंट में रहने के लिए जाती है, लेकिन वो अपार्टमेंट बहुत ही डरावनी टाइप का है। लोगों के अनुसार वहाँ पर अक्सर कई सारी भूतिया घटनाएं होती है। लाइट्स का बार बार झपकना, किसी के चिल्लाने की आवाज आना, ये सब नॉर्मली वहाँ पर होता रहता है। वैसे तो वो पूरा अपार्टमेंट खाली है, लेकिन एक बुढ़ी सी औरत वहाँ पर रहती है। न चाहते हुए भी सुंजी को उस अपार्टमेंट में रहना होगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी अच्छे अपार्टमेंट को रेंट पर ले सके। अब जब वो घर में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर चीजें बहुत पुरानी है, ऐसा लगता है जैसे वर्षों से ये सूना पड़ा हो। अब वो साफ सफाई करने में लग जाती है। उस समय जब ऊपर की ट्यूबलाइट को चेंज करती है तब ट्यूब एकदम से फट जाती है और उसका ग्लास सुंजी की आंख में लग जाता है। इसलिए अब वो एक डॉक्टर के पास जाती है और अपनी आंख को चेक करवाती है। दरअसल वो डॉक्टर उसकी फ्रेंड ही होती है। जब वे बातें करती है तब हमें पता चलता है कि सुंजी का भी एक क्लिनिक था, मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से उसका क्लिनिक कुछ समय के लिए बंद हो गया। लेकिन अब वो फिर से उसे शुरू करेगी। अब वो अपने घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर जाती है जहाँ पर उसे वही अट्रैक्टिव रेड शूज दिखते हैं जो वह हर किसी को मिलते हैं। सुंजी की वैसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए वो इन बढ़िया जूतों को लेने का फैसला करती है और उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है। जब वह उन जूतों को पहनती है तब उससे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। धीरे धीरे उसे ऐसे सपने आने लगते हैं जिसमें उन्हीं जूतों को पहनकर एक लड़की नाचते हुए दिखाई देती है। वो एक अच्छी डांसर लगती है। उसी वक्त उसे एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जो कि नाचने वाली लड़की को गुस्से से घूरते हुए देख रही है। लेकिन अचानक उसे लगता है कि वो काफी थक गई है, इसलिए उसे ऐसे अजीब ड्रीम दिखाई दे रहे हैं और वो इस चीज पर कोई फोकस नहीं करती है। उसी समय उसकी बेटी उसके पास आती है जो कि सुंजी के जूते देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे भी ये एक बार पहनने दो। लेकिन सुंजी उसे जूते देने से साफ मना कर देती है। अब वो अपने क्लिनिक जाती है जो कि अभी पूरा नहीं बना है, उसमें अभी भी काम चालू है। वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो उस काम को मैनेज करता है। उनके बीच काफी सारी बातें होती और सुंजी अब उसे आज रात को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुंजी घर पर नहीं है, इसलिए उसकी छोटी बेटी उन जूतों को पहन लेती है जो कि उसकी साइज से काफी बड़े हैं। एक बार तो इन्हें पहनकर वो काफी खुश होती है, लेकिन अगले ही पल जब वो जूते उसके पैरों में फिट हो जाते हैं तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। अब उससे भी वही ड्रीम्स दिखने लगते हैं। अब रात को उसी लड़के के साथ सुंजी अपने घर पर लौटती है जहाँ पर वे सभी डिनर कर रहे हैं। उस समय सुंजी की बेटी गुस्सा हो जाती है और वो सुंजी से कहती है कि तुम बहुत बुरी औरत हो, तुम्हें हमारे पापा के साथ रहना चाहिए, लेकिन तुम पता नहीं किसे अपने घर पर लाई हो। उस समय सुंजी उसे डांटती है और अपने रूम में भेज देती है। और अब वे दोनों खाना खाकर अपने रूम में जाते हैं जहाँ पर वो लाल जूते पड़े हुए हैं। वो जूते हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत। और वो लड़का भी उन सूज को देखता है और उनकी काफी प्रशंसा करता है। उस रात सुंजी को फिर से कुछ अजीब और डरावने सपने आते हैं जिसमें वे देखती है कि उसके सामने एक मैरिड कपल खड़ा है जो बहुत दुखी लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी उन्हीं जूतों को पहने हुए ऊपर की रेलिंग पर खड़ी है जो कि सुसाइड करने वाली है। सुंजी दौड़ते हुए उसके पास जाती है, लेकिन जब वे उसे बचाने के लिए उसके पैरों को पकड़ती है तो वो कट जाते हैं, जिसे सुंजी अब जाग जाती है। उसे हर ड्रीम में वही लाल जूते दिखते हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि इन जूतों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। अगले दिन जब उसकी बेटी फिर से उन जूतों को पहनने का जिक्र करती है तब सुंजी उसे वो जूते नहीं देती है। अब सुंजी की वो क्लिनिक वाली फ्रेंड उसके घर आती है और वो भी उन जूतों को देखकर पागल सी हो जाती है। जब संजना उन जूतों के पास नहीं होती है तब वो उन्हें चोरी करके पहनकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो रुकी हुई होती है कि अचानक पीछे से कोई आता है और उसकी आंखों को बाहर निकाल देता है और सामने की कांच की खिड़की पे उसे फेंक देता है, जिससे वे मर जाती हैं। उन सूज की वजह से उसके भी पैर कट चुके हैं और अब वो सूज अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब पुलिस इस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करती है तब वो पूछताछ के लिए सुंजी को बुलाते हैं क्योंकि मरने से पहले वो उसी के घर गई थी। पुलिस स्टेशन में सुंजी देखती है कि जिस प्रकार से उसकी फ्रेंड का मर्डर हुआ है उसी तरह से कई सारे लोग पहले भी मारे जा चुके हैं और वो ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से फ्री होने के बाद सीधे अपने घर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी बेटी उन जूतों को पहने हुए वहाँ पर खड़ी है। इन्हें तो उसकी फ्रेंड चोरी करके ले गई थी। वो डर के मारे उन जूतों को डस्टबिन में फेंकने के लिए चली जाती है ताकि उनसे पीछा छुड़ा सके, मगर जब वो वापस आती है तो फिर से उसकी बेटी उन्हीं जूतों को पहने हुए उसके सामने खड़ी है। अब वो बुरी तरीके से डर जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी बेटी के पैरों से खून निकलने लगा है और वो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे पता चलता है कि वो और उसकी बेटी दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं और फिर से वे जूते उसके पास ही पड़े हैं। वो फिर से एक बार डर के मारे चिल्ला उठती है। अब वहाँ पर वो लड़का आता है जो उसे उसके क्लिनिक पर मिला था।
वो उसे बाहर ले जाकर बताता है कि मुझे एक फोटो मिली है जिसमें यही जूते लिए हुए एक लड़की खड़ी है और ये फोटो तकरीबन 50-60 साल पहले का है। अब सुनजी उन जूतों के पीछे का राज पता करना चाहती है, इसलिए वो उस लड़के के साथ छानबीन पर लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि जब पहली बार वो उन जूतों को पहनकर अपने घर आई थी उस समय उसके पास रहने वाली बूढ़ी औरत उन्हें देखकर काफी डर गई थी और वो उन्हें एक बार दूर फेंकने के लिए कह रही थी। इसलिए वे दोनों उस औरत के पास जाते हैं, हो सकता हो कि उसे कुछ पता हो। वहाँ पर जाने पर वो औरत बताती है कि कई साल पहले वो एक ओकी नाम की लड़की के घर पर काम करती थी और वो एक डांसर थी, लेकिन एक दूसरी लड़की जिसका नाम कायको था वो भी एक अच्छी डांसर थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसका बहुत ख्याल रखता था जिसकी वजह से ओकी हमेशा उससे जलती थी। एक बार कायको का बॉयफ्रेंड उसे रेड कलर के शूज गिफ्ट करता है जिन्हें देखकर ओकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो कायको से उसका बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लेती है। एक दिन जब ओकी कायको के बॉयफ्रेंड के साथ सोती है उस समय कायको उन दोनों को देख लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से निकलती है। उस समय उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है और माफी मांगता है। ये देखकर ओकी और गुस्सा हो जाती है जिससे वे कायको के दोनों पैरों को काट देती है, लेकिन कायको अब तक मरी नहीं थी इसलिए वो उससे अपने सूज छीने की कोशिश करती है। उस समय उसका बॉयफ्रेंड भी उसे काट कर मार देता है। ये सब घटना वो बूढ़ी औरत एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रही थी। इस घटना के कुछ समय बाद वे दोनों शादी करते हैं। उस समय ओकी ने वही सूज पहने हुए थे और तब कायको की आत्मा उन दोनों को मार देती है। इसके बाद से जिस किसी ने इन सूज को पहना है वह उसे मार देती है। इन सब बातों को सुनने के बाद सुनजी अपने दोस्त के साथ कायको की बॉडी ढूंढने में लग जाती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें उसकी बॉडी मिल जाती है जिसे वे एक कॉफिन में रखकर उन सूज को भी उसके साथ दफना देते हैं। अब सब कुछ निपटा कर उस रात को सुनजी उस लड़के के पास जाती है क्योंकि वो उससे काफी पसंद करने लगी है, लेकिन वह लड़का उसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि सुनजी की बेटी उसे बता देती है कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा नहीं बल्कि उसे मार दिया था। ये सुनकर सुनजी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से बचकर स्टेशन की ओर भाग जाती है। सुनजी भी उसके पीछे पीछे जाती है। तब उसे पता लगता है कि वो ये सब खुद नहीं कर रही है, दरअसल कायको की आत्मा उस पर हावी होने लगी है। उस समय उसे फिर से उसकी बेटी के पास वही सूज दिखते हैं और अब संजना कायको से कहती है कि मैंने तुम्हारा सही तरीके से अंतिम संस्कार किया है, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो। उस समय वहाँ पर कायको की भयानक आत्मा आती है और वो बताती है कि तुम ओके का पुनर्जन्म हो, इसलिए मैंने तुमसे अपने पति, फ्रेंड और कई लोगों को मरवाया है, और ये कहकर वो आत्मा सुनजी को भी मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नई कहानियों का डेली डोज पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।